स्वामी जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पूछना चाहूँगा कि मुसलमानों के मुल्ला मौलवी हर शुक्रवार को अपनी तकरीरें देते हैं मस्जिद में, उनको कुरान के बारे में ही समझाते हैं, और आज अगर हिंदुओं में देखा जाए तो एक भक्ति काल रहा था 1600 के आसपास, और आज उससे भी ज़्यादा संत हैं हिंदुओं के अंदर, लेकिन वो संत आपस में ही उनमें मुठभेड़ है, अपने अपने सिंहासन जमाए हुए बैठे हैं और कृष्ण के और राम के वो बाल चरित्र को ही दिखाते हैं, जबकि हमारे सभी देवताओं के हाथों में हथियार रहा है हमेशा, और कृष्ण का अगर वो चरित्र उभारा जाता तो शायद आज देश इस स्थिति में नहीं पहुंचता। इसके बारे में आपके क्या विचार है? देखिए, मेरा बिल्कुल स्पष्ट इस बारे में विचार है, जो लोग हिंदुओं को गुमराह करके उनको कत्ल की तरफ ले जा रहे हैं वो सबसे बड़े पापी हैं। जिस कौम का कोई धर्मगुरु कोई रहनुमा नहीं रहता वो कौम नहीं बचती, और हिंदुओं के तथाकथित इतने भी बड़े धर्मगुरु हैं, उन्होंने ये पाप किया है, आज पूरी कौम विनाश के, लेकिन इसके केवल उन्हीं को दोष देना काफी नहीं होगा, इसके हम भी दोषी हैं, हम में से हर एक व्यक्ति दोषी है। हमें यह सोचना पड़ेगा कि हमने धर्म के लिए लड़ने वालों की कितनी मदद की। ऐसा नहीं है, कोई भी ऐसा युग नहीं था जब धर्म के लिए लड़ने वाले नहीं थे। वीर सावरकर लड़े हैं धर्म के लिए, महर्षि दयानंद सरस्वती लड़े हैं धर्म के लिए, बहुत सारे लोग लड़े हैं धर्म के लिए, और उन्होंने धर्म की सही व्याख्याएं भी की हैं, लेकिन हिंदू समाज ने हमेशा साथ ऐसे लोगों का दिया है जिन्होंने बैठकर कायरता सिखाई है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम महात्मा गांधी का। लेकिन आज तो भारत का हर नेता, हर महात्मा जो है, हर संत महात्मा गांधी बनना चाहता है, क्योंकि उसे पता है महात्मा गांधी बनने का मतलब है मलाई खाना, सत्ता के क्लोज रहना, और सत्ता के क्लोज रहने का मतलब है दलाली खाना और सब कुछ मजे लेना। और सावरकर कोई नहीं बनना चाहता जो काला पानी जाए, जो संघर्ष करे, जो जेलों में अपनी जवानी गला दे, ऐसा हिंदुओं में कोई नहीं बनना चाहता। देखिए, आपको ये पूरी दुनिया में देखना पड़ेगा, अगर इस्लाम मजबूत है तो केवल इसलिए मजबूत है कि उसके मौलाना, उसके धर्मगुरु इस्लाम के लिए 24 घंटे लड़ रहे हैं। अगर ईसाइयत मजबूत है तो उसमें सबसे बड़ा हाथ चर्च का है। अगर सिक्खी मजबूत है, खालसा मजबूत है, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ गुरुद्वारों का है। अगर म्यांमार से, श्रीलंका से इस्लाम का जिहाद खत्म हुआ तो वहां के बौद्ध भिक्षुक, विरातु जैसे बौद्ध भिक्षुक आ गया है और उन्होंने अपनी कौम को बचाया। लेकिन भारत में कोई धर्मगुरु नहीं है, एक जगतगुरु शंकराचार्य नहीं है, एक कोई महामंडलेश्वर नहीं है, एक संत नहीं है, एक महात्मा नहीं है, एक महंत नहीं है जो खुल के इस्लाम के खिलाफ बोल भी सके। और इसका कारण है वो धर्म जानते ही नहीं है, उन्होंने कृष्ण की गीता को नहीं पढ़ा है, उन्होंने वाल्मीकि की रामायण को नहीं पढ़ा है, उन्होंने कुछ अपनी झूठी सच्ची किताबें बनाई हैं और उन्हीं का प्रवचन करके उन्होंने हिंदुओं के साथ धन लूटा है, मोक्ष के सपने दिखा के महिलाओं को नचाया है, भगवान के साथ विश्वासघात किया है, तो अब उसकी कीमत चुकाने का समय आया है, अब हिंदू समाज उसकी कीमत चुकाएगा। नहीं, आपने शंकराचार्य जी का नाम लिया, आज से 2000 लगभग साल पहले शंकराचार्य 36 साल की उम्र में पूरे भारत को एक किया था, 32 साल की उम्र में, और उस उम्र में ही उनका जो है वो 36 साल की उम्र में वो दुनिया छोड़कर जा चुके थे। आज हमारे देश में 4-4 शंकराचार्य कहने को हैं, लेकिन क्या कोई भी शंकराचार्य हमारे धर्म के विषय को आगे बढ़ा के, हमारे उसको आगे बढ़ा के, हमारे हिंदुओं को एकजुट करने में, आज तक मैं भी, मेरी उम्र 50 साल हो रही है, लगभग 30 साल से मैंने तो किसी शंकराचार्य को नहीं मैंने देखा, आज तक नहीं देखा कि वो, आज तक नहीं देखा कि हिंदू समाज की किसी समस्या को उन्होंने उठाया हो। हाँ, उन्होंने कभी जातिवाद को कम करने के लिए प्रयास किया हो, उन्होंने कभी हिंदुओं के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने के लिए, आधुनिक शिक्षा के लिए प्रयास किया हो, उन्होंने अपने कॉलेज और मठ तो बनाए हैं, ऐसे तो मठ बनाए हैं, ऐसे कॉलेज बनाए जहाँ बहुत पैसे आते हैं, लेकिन उन्होंने कोई हिंदुओं की जो बेसिक गरीबी है उसे दूर करने के लिए कोई प्रयास, इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया। शंकर जी की बात और है, बहुत दिनों तक उनकी परंपरा बहुत अच्छी भी चली है, लेकिन आज के जो शंकराचार्य है, आज के जो महामंडलेश्वर, आज के जो संत हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सनातन धर्म के लिए कुछ करते हैं। आपने गीता का जिक्र किया और आप भी देखते होंगे सब टीवी पे, मैं भी देखता हूँ कि जितने भी हमारे जो कथावाचक संत हैं जिन्होंने अपने अपने मठ बना लिए हैं, कृष्ण के बाल रूप के नाम पे आंसू बहा बहा के लोगों को भावुक करके रोते तो हैं, लेकिन कभी उन्होंने कृष्ण का सुदर्शन चक्र वाला रूप, एक रूप और दिखाते हैं जिसमें कृष्ण जो है महिलाओं के साथ अय्याशी कर रहे हैं, कृष्ण को रसिया बना दिया है और कृष्ण को और राधा को एक ऐसा बना दिया जो आज के लैला मजनू भी फेल कर रखे हैं उनके आगे, और अभी शिवरात्रि अभी जाके चुकी है, शिवरात्रि पर शंकर का रूप सिर्फ भांगी भंगा और जो है आजा गोरा नाच ले वो बना दिया है, क्या ये हिंदुओं के लिए उचित नहीं? ये धर्म से कहीं नहीं है, ये अधर्म है, ये पाप है, ये हिंदुओं धर्म के साथ विश्वासघात है, ये हमारे धर्म का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये हमारे धर्म से नहीं है, ये जो लोग ये कर रहे हैं वो पाखंड कर रहे हैं, वो पाप कर रहे हैं, ये मैं सारे जो लोग इस काम को कर रहे हैं उन्हें शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ, वो मेरे को एक बार सिद्ध करके बताएं कि हिंदुओं के किसी ग्रंथ से उन्होंने ये पढ़ा है, वो झूठ बोल रहे हैं, वो पाखंडी हैं, वो विश्वासघाती हैं, वो धर्म के द्रोही हैं।
और इसी कारण से जो ये जो जितने भी टीवी वगैरह बनाने वाले हैं इनकी हिम्मत पड़ती है। आजकल आप अगर देख रहे होंगे हनुमान जी के ऊपर सीरियल चल रहा है और भी बनते रहते हैं। मैंने अपने सुना है और पढ़ी भी है वाल्मीकि रामायण के अलावा हनुमान के ऊपर कोई चरित्र नहीं लिखा, तो ये सब जो है हनुमान के ऊपर जो सब उल्टा सीधा दिखाया जाता है या कृष्ण के ऊपर दिखाया जाता है, तो हिंदू इसके बारे में बोलते क्यों नहीं है? क्योंकि हिंदू को पता ही नहीं है। हिंदू सोचता है हो सकता है ये भी कहीं हो, क्योंकि हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने हिंदुओं को यही सिखाया है। उन्होंने कहा भाई ये भक्ति है। आपने गीत सुना होगा मनिहारी का भेष बनाया किशन चूड़ी बेचने आया। अब जो धर्मगुरु अपने भगवान से चूड़ियां बिकवाने पे आ गए उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं है इनसे। अच्छा कुरान के बारे में क्या आप सलाह देंगे कि सभी हिंदुओं को एक बार कुरान अवश्य पढ़नी चाहिए? कुरान हर हिंदू को पढ़नी चाहिए। अगर हिंदू कुरान नहीं पढ़ेगा तो उसे पता कैसे चलेगा कि कुरान में उसके बारे में लिखा क्या है? मैं खुद कुरान पढ़ता हूं। हर हिंदू को कुरान और गीता जरूर पढ़नी चाहिए। कुरान पढ़ के ये पता चलेगा कि कुरान हिंदुओं के बारे में क्या कहती है और गीता पढ़ के ये पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। ये दो किताब जो नहीं पढ़ता वो हिंदू कभी भी धर्म के बारे में सोच नहीं सकेगा। अभी जो ये कह रहे हैं कि शेरनिया बैठी हुई हैं, तो कुरान में जो मैंने पढ़ा नहीं, नहीं, नहीं बैठी वो नहीं वही मैं वही सवाल कर रहा हूँ। कुरान में मैंने पढ़ा है कि स्त्रियों को जो है स्त्री तुम्हारी खेत है और उनको जो है इस तरह से रखो कि वो आप कभी भी उनको जो है जोत सकते हो, तो ये शेरनिया कैसे कह रहे हैं? इनको कुरान के आधार पे कोई सवाल क्यों नहीं करता? शेर तो कभी इस्लाम में पैदा ही नहीं हुए। इस्लाम में तो कुत्ते होते हैं, गीदड़ होते हैं और भेड़िए होते हैं। इस्लाम शिकारियों की एक कौम है, वहाँ कभी बहादुर पैदा नहीं होते। वहाँ शेर जब शेर ही नहीं है तो शेर नहीं कहाँ से होंगे? शेर जितने बहादुर नस्ल हिंदुओं में पैदा होती है, बहादुर नस्ल और कौमों में पैदा होती है, लेकिन कभी भी बहादुर नस्ल इस्लाम में पैदा नहीं हो सकती। इस्लाम में बहादुर नस्ल इसलिए पैदा नहीं हो सकती क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि इस्लाम में केवल शिकार करना सिखाया जाता है, वहां युद्ध लड़ना नहीं सिखाया जाता। वो धोखा करके हिंदुओं को मारते हैं, वो धोखे से हमारा कत्ल करते हैं, वो कभी भी हमें जो है युद्ध क्षेत्र में नहीं मार पाते। आज तक का इतिहास बताइए जब इस्लाम युद्धों में जीता हो। इस्लाम जीतता है रात को, इस्लाम जीतता है पाखंड से। अंकित शर्मा को जो मारा गया मेरे ख्याल से पिछले कुछ दशकों का सबसे ब्रूटल जो है सौरभ काली और अंकित शर्मा का मर्डर है। नहीं, इसके ऊपर इससे बहुत ब्रूटल मर्डर इस्लाम ने किए हैं। इस्लाम ने सिद्दीक मेरठ के अंदर, हाँ मेरठ के अंदर जो ट्रिपल मर्डर हुआ था, जिसमें एक लड़के का नाम था जो इजराइल ने कसाई ने किए थे, वो इससे भी ब्रूटल थे। जो मुजफ्फरनगर में जहाँ से दंगा 2013 में भड़का था, वो सचिन और गौरव लड़के जो मारे, इससे भी ब्रूटली मारे गए थे। ये उनकी मेथड है, वो इसी तरह मारते हैं क्योंकि ये मोहम्मद के समय से है। इतने क्रूरता से मारो कि बाकी सब डर जाएं, ये उनका सिद्धांत है और वो अपने सिद्धांत पे चल रहे हैं। हम हिंदू समझते नहीं उनके सिद्धांत को। चलिए आपसे बहुत ज्ञान मिलता रहता है जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।